तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से फोर्ज़ा होराइज़न 5। और लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा मैंने खरीदी थी ये 1969 एडिशन डॉट चार्जर आरटी, जिसको मैंने परचेस करने के बाद कस्टमाइज़ किया था एक ड्रिफ्ट बिल्ड के अंदर। तो मैंने इंस्टॉल किया इसके अंदर 1000 प्लस हॉर्स पावर, जो कि इसको एक लिटरली बीस्ट में कन्वर्ट कर देती है। और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था जिसमें कि रिक्वेस्ट करी है कि मैं सेम वीडियो बनाऊं निसान GTR पर। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं निसान GTR R30, जो कि आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में पॉल वॉकर को कस्टमाइज़ करते हुए देखा होगा, उस मूवी के अंदर पॉल वॉकर उसको खरीदते हैं और फिर उसको कस्टमाइज़ करते हैं, तो हम भी सेम चीज़ करने वाले हैं। तो हम जाएंगे सीधा फोर्ज़ा होराइज़न फेस्टिवल के अंदर और जाकर गाड़ी को परचेज़ करेंगे और देखेंगे अगर नई गाड़ी हमको सस्ते में मिल जाती तो नई परचेज़ कर लेंगे, और न जैसे कि हमने इसको ख़रीदा था ऑक्शन हाउस में से वैसे उसको परचेज़ करने की कोशिश करेंगे सस्ते में। थोड़ी सी ड्रिफ्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं फोर्ज़ा होराइज़न फेस्टिवल के पास और ये रहा फेस्टिवल। फटाफट गैराज के अंदर जाते हैं और जाके गाड़ी को परचेज करते हैं। ऑलराइट, तो मैं सीधा एंटर करता हूँ गैराज के अंदर। हम जाएंगे बाय एंड सेल में ऑटो शो में और चेक करते हैं पहले निसान GTR कितने में हमको मिलने वाली है। तो मैंने ये सोचा कि निसान GTR R35 ना लेकर के मैं निसान GTR R34 खरीदूं, और इसको हम जाके पहले चेक करते हैं कि ऑक्शन हाउस में कितने की मिल रही है हमको। इसकी बिडिंग में अभी 2 घंटे हैं, 2 घंटे बाकी हैं, और इसका बाय आउट है 50,000 और ये नई पड़ेगी हमको 63,000 की, तो हम इसी को बाय आउट कर लेते हैं। फाइनली मैंने उसको पूरा ब्लेड पूरा कस्टमाइज कर दिया है और अब आप लोग इसकी साउंड सुन सकते हो। ये लैम्बोर्गिनी वाला कहाँ से आ गया पता नहीं। मैंने इसको ड्रिफ्ट में प्लस इसको रेस ट्रैक में बिल्ड किया है, मतलब ये रेस भी अच्छे से कर सकती है और ड्रिफ्ट भी ठीक ठाक कर सकती है। बहुत अच्छे से ड्रिफ्ट नहीं कर सकती लेकिन आज ठीक ठाक ड्रिफ्ट कर सकती है। तो काफ़ी अच्छा ट्रिप कर ली है वैसे ही। तो वैसे उसको ड्रिफ्ट भी करा के देखेंगे, उसको भी भगा कर भी देखेंगे। मैं इसको हाईवे पर ले जाता हूँ, मैं इसकी टॉप स्पीड चेक करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल के बाहर जा रही है ये इस वक्त, क्योंकि इसमें
पावर कुछ ज़्यादा ही आ गई है। और लैम्बोर्गिनी वाला हमसे रेस कर रहा है, इससे रेस करके देखते हैं क्या इससे जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी। भाई इसको तो बहुत आसानी से इसने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसमें ट्रांसमिशन गलत डाल दिया है, सिर्फ 7th गियर है, इसमें और गियर होनी चाहिए थे। लेकिन फिर भी इसने इसको आराम से पीछे छोड़ दिया है। तो मैं आ चुका हूँ अपनी फेवरेट जगह पर, जहाँ पर मैं ड्रिफ्ट करता हूँ और ड्रिफ्ट करना सीख रहा हूँ। और अगर आप लोग भी ड्रिफ्ट करना सीख रहे हो अभी, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इस जगह पर आकर आप बहुत अच्छी अच्छी ड्रिफ्ट करना सीख सकते हो। और अगर एक बार आपने इसको इस सर्कल को कंप्लीट करना आ गया ना आपको, तो फिर आप बहुत आराम से ड्रिफ्ट कर सकते हो। और मैं थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है मुझसे, मतलब एक लाइन के अंदर इसी लेन में अगर मैं कंप्लीट कर सकता हूँ उसको, तो जैसे ये अभी अभी नहीं हो पाया मेरे से, दोबारा ट्राई करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में मुझे बताना कि नेक्स्ट कौन सी कार पे आप लोग वीडियो देखना पसंद करोगे। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।